फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब ये आपका लास्ट लेक्चर है फ्रेंड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ईयर। ठीक है, आपके ईयर की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये ना रहे तो अगर आपको कोई गाली दे के भी चला जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई इंसान गाली भी दिया है। ठीक है, अगर ये ना रहे तो कोई भी इंसान आपको कुछ भी कह दे, आप सुन ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि द ईयर्स परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ठीक है, जो आपका ईयर है ये दो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला क्या परफॉर्म करते हैं, हियरिंग में, ठीक है, सुनने में। ठीक है, एंड जो सेकेंड फंक्शन वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ठीक है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो आपका ईयर है ये दो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो ये हियरिंग के लिए है एंड जो सेकेंड है वो बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है। एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस कॉल्ड द आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, एनाटॉमिकली ईयर को 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं, एंड जो सेकेंड है उसको मिडल ईयर, एंड जो थर्ड है आपका उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ईयर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, मीटर्स के अंदर क्या होता है कि आउटर ईयर पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का बना होता है। ठीक है, आपका जो आउटर ईयर है ये पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का बना होता है। द पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस इन द एयर व्हिच प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, पिन्ना एयर में प्रेजेंट वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है जो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, द ईयर ड्रम। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि ईयर ड्रम है तक अंदर की ओर जाती है। ठीक है, उसके ओर क्या करती है, अंदर की ओर जाती है। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटर्स। पिन्ना एंड मीटर्स में कुछ फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, फाइन हेयर्स मीन्स क्या होता है कि कुछ महीन हेयर होते हैं एंड वैक्स सिक्रीटेड ग्लैंड्स होती है। ठीक है, वर्क सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होती है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विथ स्किन आउटसाइड एंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। ठीक है, क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो आउटसाइड स्किन से एंड इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहती है। ठीक है, आउटसाइड स्किन से एंड इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। द मिडल ईयर कंटेन्स 3 ऑसिकल्स कॉल्ड मैलियस, इनकस एंड स्टपिज व्हिच आर अटैच्ड टू वन अनदर इन ए चैन लाइक फैशन। ठीक है, मिडल ईयर 3 ऑसिकल से बना होता है जिनको हम लोग मैलियस बोलते हैं, इनकस एंड स्टपिज बोलते हैं। ठीक है, मैलियस इनकस एंड स्टपिज कहते हैं। ये एक दूसरे से चैन लाइक फैशन में अटैच्ड रहती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे अटैच रहती है, चैन लाइक फैशन में अटैच रहती हैं। द मैलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द स्टपिज इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कोकलिया। ठीक है, क्या होता है कि आपका जो मैलियस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एंड स्टपिज कोकलिया की ओवल विंडो से अटैच होती है। द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स साउंड वेव्स को इनर ईयर तक पहुंचाने की एफिशिएंसी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, जो आपके ईयर ऑसिकल्स है साउंड वेव्स को इनर ईयर तक पहुंचाने की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। समझ में आ गया आपको, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एन यूस्टैकियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। ठीक है, यूस्टैकियन ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को क्या करती है, इक्वल करती है। ठीक है, जो आपकी हेल्प्स टू इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, जो आपका यूस्टैकियन ट्यूब है ये मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग से कनेक्ट करती है। ठीक है, मिडल ईयर कैविटी को किससे कनेक्ट करती है, फेरिंग से कनेक्ट करती है। एंड यूस्टैकियन ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को इक्वल रखती है। ठीक है, क्या करती है, प्रेशर को इक्वल रखती है। समझ में आ गया, तो आगे देखते हैं कि द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, फ्लूइड से भरा इनर ईयर लेबिरिंथ कहलाता है एंड जो कि बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से बना होता है। ठीक है, जो बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से बना होता है। द बोनी लेबिरिंथ इज ए सीरीज ऑफ चैनल्स। ठीक है,
बोनी लेवरिंथ चैनल्स की एक सीरीज होती है, ठीक है। आपकी जो बोनी लेवरिंथ है ये चैनल्स की क्या होती है, एक सीरीज होती है। इनसाइड दी चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लेवरिंथ व्हिच इज सराउंडेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम। इन चैनल्स के इनसाइड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है जो कि फ्लूइड से घिरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोलते हैं। तो द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्फ। बट जो आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ये इंडोलिम्फ नाम के फ्लूइड से भरा रहता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ये इंडोलिम्फ नाम के फ्लूइड से भरा रहता है। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ इज कॉल्ड कोकलिया। लेबिरिंथ के कॉइल्ड पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकलिया बोलते हैं, ठीक है। लेबिरिंथ के कॉइल्ड पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोकलिया बोलते हैं। तो द मेम्ब्रेनस कंस्टिट्यूटिंग कोकलिया द रेजिनर्स एंड बेसिलर्स डिवाइड्स द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लेबिरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड ए लोअर स्केला टिम्पैनी, ठीक है। कोकलिया की दो मेम्ब्रेन्स द्वारा तीन चैम्बर में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड राइजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अपर चैम्बर को स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पनी बोलते हैं, ठीक है। अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं, एंड जो आपका लोअर चैम्बर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पनी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो देखते हैं आगे कि द स्पेस विथ इन कोकलिया कार्ड स्केला मीडिया इज फील्ड विथ इंडोलिम्फ, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पनी पेरिलिम्फ से, एंड जो आपका स्केला मीडिया है, ठीक है, स्केला मीडिया जो है ये इंडोलिम्फ से क्या होता है, भरा होता है। एट द बेस ऑफ द कोकलिया द स्केला वेस्टिबुलाई इंस एट द ओवल विंडो, ठीक है। कोकलिया के बेस पर स्केला वेस्टिबुलाई ओवल विंडो में इंडो होती है। व्हेन द स्केला टिम्पनी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो व्हिच ओपन्स टू द मिडल ईयर, ठीक है। जबकि आपकी जो स्केला टिम्पनी है ये राउंड विंडो में इंडो होती है, ठीक है। जो कोकलिया के बेस पर स्केला वेस्टिबुलाई वो ओवल विंडो में इंडो होती है, जबकि स्केला टिम्पनी आपकी राउंड विंडो में इंडो होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की। तो द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन व्हिच कंटेन्स हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बेसिलर मेम्ब्रेन्स पर लोकेटेड होता है, जिसमें पाई जाने वाली हेयर सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जिसमें पाई जाने वाली हेयर सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती है। द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रॉज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की इंटरनल साइड पर रॉज में प्रेजेंट है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट है, रॉज के टाइप प्रेजेंट, ठीक है। तो द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल्स इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स। हेयर सेल्स आपकी बेसल एंड एफरेंट नर्व फाइबर्स के क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है। जो आपका हेयर सेल्स का बेसल एंड है वो एफरेंट नर्व फाइबर्स के क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसिलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल, ठीक है। प्रत्येक हेयर सेल के एपिकल पार्ट से कई स्टीरियोसिलिया नाम की प्रोजेक्शन निकलती है, ठीक है। कई स्टीरियोसिलिया नाम की क्या निकलती है, प्रोजेक्शन निकलती है। एबव द रॉज ऑफ द हेयर सेल्स इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हेयर सेल्स की रॉज के ऊपर थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि द इनर ईयर आल्सो कंटेन्स ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर एपार्टस लोकेटेड अबव द कोकलिया। इनर ईयर में कोकलिया के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेस्टिबुलर एपार्टस भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, वेस्टिबुलर एपार्टस भी होता है। तो द वेस्टिबुलर एपार्टस इज कंपोज ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द इस सर्क्यूलर एंड यूट्रिकल। वेस्टिबुलर एपार्टस थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ से बना होता है, जो है आपका पहला क्या, मैकुला है, ठीक है। मैकुला सैक्यूल एंड यूट्रिकल, ठीक है। मैकुला सैक्यूल एंड यूट्रिकल का बना है, ठीक है। ये सेंसरी पार्ट है, समझ आ गया आपको। तो ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन ए डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे से राइट एंगल पर डिफरेंट प्लेन पर प्रेजेंट होती हैं। तो द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी
कैनाल्स, ठीक है, मेम्ब्रेनस कैनाल बोनी कैनाल्स के पेरिलिम्फ में क्या होती है, डूबी रहती है, ठीक है, जबकि मेम्ब्रेनस कैनाल है बोनी कैनाल्स के पेरिलिम्फ में डूबी रहती है। तो द बेस ऑफ कैनाल्स इज स्वेलन एंड इज कॉल्ड एम्पुला व्हिच कंटेन्स ए प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस व्हिच हैज हेयर सेल्स। ठीक है, क्या होता है कि कैनाल का स्वेलन, ठीक है, फूला हुआ जो बेस है वो एम्पुला जिसमें एक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं जिसमें हेयर सेल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है आपकी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया? तो आगे देखते हैं कि द सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैकुला। ठीक है, सेक्यूल एंड यूट्रिकल में प्रोजेक्टिंग रिज स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं। ठीक है, तो द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर अपार्टस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। क्रिस्टा एंड मैकुला वेस्टिबुलर अपार्टस के स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी के बैलेंस एंड पोस्चर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सब क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के बैलेंस एंड पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे हियर की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि हाउ डज ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू न्यूरल इंपल्सेस व्हिच आर सेंसेड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन इन वेलिंग अस टू रिकॉग्नाइज ए साउंड। ठीक है, ईयर किस टाइप की साउंड वेव को न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट करता है जो कि ब्रेन द्वारा सेंसेड एंड प्रोसेस्ड होकर हमें साउंड की पहचान कराते हैं। बताइए हम कि ईयर आपका किस टाइप की साउंड वेव को न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट करता है जो कि ब्रेन द्वारा सेंसेड एंड प्रोसेस्ड होकर हमें साउंड की पहचान कराते हैं। तो देखते हैं इसमें हम कि द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम। ठीक है, क्या होता है कि एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव्स को रिसीव कर ईयर ड्रम तक क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, वो क्या करता है, ईयर ड्रम तक डायरेक्ट सेंड करता है। तो द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पांस टू द साउंड वेव्स एंड दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर वेसिकल्स मैलियस इनकस एंड स्टेपीज टू द ओवल विंडो। ठीक है, साउंड वेव के रिस्पांस में वाइब्रेशन होता है एंड वाइब्रेशन ईयर वेसिकल्स मैलियस इनकस स्टेपीज से होते हुए कहाँ पहुँचता, ओबल विंडो तक पहुँचता। ठीक है, कहाँ तक पहुँचता, ओबल विंडो तक पहुँचता है। तो वाइब्रेशंस आर पास थ्रू द ओबल विंडो ऑन द फ्लूड ऑफ द कोक्लिया वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्स। ठीक है, क्या होता है आपका कि साउंड वेव के रिस्पांस में वाइब्रेशन होता है एंड वाइब्रेशन ये रोस्कल से मैलियस इनकस स्टेपीज से होते हुए ओवल विंडो तक पहुंचता है। उसके बाद में ओवल विंडो से वाइब्रेशन कोकलिया में भरे फ्लूड तक पहुंचते हैं जहां वह लिम्फ में वेव इंड्यूस करते हैं। ठीक है, जहां पे वह लिम्फ में वेव को इंड्यूस करते हैं या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जनरेट करते हैं। ठीक है, तो द वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस अ रिपल इन द बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है कि बैसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट से हेयर मुड़ती है एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर क्या करती है, ये चली जाती है। ठीक है, आपके समझ में आया आपको कि ये इंड्यूस करते हैं लेकिन जब लिम्फ की वेव जो है बैसिलर मेम्ब्रेन में रिपल इंड्यूस करती है। ठीक है, लिम्फ की वेव बैसिलर मेम्ब्रेन में क्या करती है, रिपल इंड्यूस करती है। तो द मूवमेंट्स ऑफ द बैसिलर मेम्ब्रेन एंड बेंड द हेयर सेल्स प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बैसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट से हेयर सेल्स मुड़ती हैं एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब बैसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट से हेयर सेल्स मुड़ती हैं तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर क्या डालती है, ये प्रेशर डालती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट की बात करें हम तो एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। दीज इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर्स बाय ऑडिटरी नर्व्स टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर द इम्पल्सेज आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। ये इम्पल्स एफरेंट फाइबर्स द्वारा ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिट किए जाते हैं जहां इंपल्सेस का एनालिसिस कर साउंड को पहचाना जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि साउंड को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आपका लेसन भी यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। थैंक यू।